गाइस मेरा नाम है प्रयास शर्मा और आप सभी का अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, टाइटल और थंबनेल आप सभी ने देख लिया होगा। आज इस वीडियो में टिकटॉक से रिलेटेड ही ये वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टिकटॉक की तरफ से क्या नया अपडेट आया है, ऐसा क्या अपडेट आया है जिसकी वीडियो कोई टिकटॉक लवर्स देख रहा है तो भाई उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ इस तरह का अपडेट उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको ये अपडेट नहीं पता, मतलब कि जो भी टिकटॉक लवर्स अगर वीडियो देख रहे हो और आप सभी को ये अपडेट का नहीं पता, तो अपडेट को जाने बिना वीडियो को मत काटना, एंड तक वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता है कि टिकटॉक लवर्स की आखिरी उम्मीद पर लग चुका है ग्रहण। में अभी आपको एक बता देता हूँ, आपको शॉक कर देता हूँ कि भाई टिकटॉक जितने भी टिकटॉक लवर्स हैं उनकी आखिरी उम्मीद पर लग चुका है ग्रहण। आपको बता दूँ, भारत सरकार ने 59 जो चाइनीज ऐप थे ना, 59 ऐप्स पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें टिकटॉक, वी चैट, यूजी ब्राउजर और कई दूसरे ऐप्स शामिल है। पिछले साल जून 2020 में इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बैन होने के बाद काफ़ी समय से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि इंडिया में पॉपुलर रहे शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक की वापसी हो सकती है। लेकिन अब सामने आई खबर ने टिकटॉक लवर्स की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा मैंने अभी तक आपको बताया कि टिकटॉक लवर्स की आखिरी उम्मीद ख़त्म कर दी गई है, लेकिन अभी वीडियो को एंड तक देखते रहे, अभी आगे आगे अपडेट्स में क्या आया है इसके बारे में आपको बताना है। ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटवाई अपने डेटा सुरक्षा कानूनों के बारे में उक्त ऐप्स के डेवलपर्स द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं था। भारत में हमेशा के लिए बैन हुए पॉपुलर चाइनीज ऐप टिकटॉक के बाद पबजी को लेकर बड़ी खबरों मतलब कि लेकर जो टिकटॉक के बाद पबजी बैन हो गया था इंडिया के अंदर, तो खबरों का बाजार गर्म है कि क्या पबजी इंडिया में फिर से कमबैक करेगा, क्या टिकटॉक फिर से कमबैक करने जा रहा है। सरकार ने पबजी मोबाइल को मंजूरी देने से बीते जो पिछले दिन थे उनमें पबजी मोबाइल इंडिया के साथ जो बातचीत चल रही थी, अपडेट्स चल रहे थे, तो उनमें भी मना कर दिया था। लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों से इस प्रकार की खबर सामने आ रही है कि जल्द ही कंपनी फिर से कमबैक कर सकती है। टिकटॉक की और पबजी की दोनों की कंपनी एक साथ ही मतलब कि कमबैक कर सकती है, सरप्राइज दे सकती है। रिपोर्ट्स की में बताया गया है कि टिकटॉक की मूल कंपनी की योजना अपने भारतीय कर्मचारियों की संख्या में जल्द ही कटौती करने की है। कंपनी ने द वायर वेबसाइट को बयान दिया है कि हमें शुरू में उम्मीद थी कि यह स्थिति जल्द ठीक हो जाएगी, मतलब कि उन्हें पहले ही यह पता था कि टिकटॉक वालों के कि जल्द ही हम इंडिया में कमबैक करने जा रहे हैं, लेकिन अभी जो अपडेट आया उसमें अभी अपडेट टिकटॉक नहीं आ रहा है। टिकटॉक मतलब कि उम्मीद है टिकटॉक बैन ही रहेगा इंडिया में, शायद मेरे ख्याल से अभी तक अपडेट में ऐसा ही कुछ पड़ा है, लेकिन जल्द भी आ सकता है। तक कुल 208 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखना दिलचस्प की बात है कि ऐप्स शुरुआती में 59 की तरह ही हमेशा के लिए बैन होते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी हमें कुछ नहीं पता कि टिकटॉक बैन होएगा, मतलब कि टिकटॉक बैन है या कमबैक आएगा इंडिया का, जो टिकटॉक है वो आएगा वापस नहीं आएगा, अभी तक कुछ भी इस तरह का नहीं पता है। लेकिन बीच में लगा था पता कि आ रहा है, लेकिन अब फिर से अपडेट में ये दे दिया कि भाई टिकटॉक जितने भी टिकटॉक लवर्स हैं अब टिकटॉक नहीं आ रहा है, टिकटॉक लवर्स की मतलब कि टिकटॉक लवर्स भूल जाए टिकटॉक को, कुछ इस तरह का। क्या कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना टिकटॉक आना चाहिए या नहीं। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे टिकटॉक से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।